हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान के ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि फ्रेंड एसएससी रेलवे में बार बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ था, यानी कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जो कि फ्रेंड इस दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके बाद जानेंगे फ्रेंड कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे, यानी कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे। तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे जो कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बने थे। फ्रेंड, उसके बाद देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, यानी कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे। तो ये आपका डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी बने थे। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान दिया था, यानी कि भारत का जो संविधान दिया था भारत की संविधान सभा ने। फ्रेंड, उसके बाद है कि भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद है कि भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। फ्रेंड, काफ़ी महत्वपूर्ण, भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया था। फ्रेंड, उसके बाद है कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं। अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं, तो ये आपका 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियम स्टेट्स किस तारीख को मिला था। फ्रेंड, काफ़ी महत्वपूर्ण, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियम स्टेट्स किस तारीख को मिला था। तो ये आपका 15 अगस्त 1947 को, यानी कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम, काफ़ी महत्वपूर्ण, द्वारा लाया गया था। ये आपका 1935 ईस्वी में संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये आपका 1935 ईस्वी में। फ्रेंड, उसके बाद है कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो ये आपका 1946 हो जाएगा। उसके बाद जानेंगे फ्रेंड कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। तो ये आपका नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 ईस्वी। उसके बाद है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। फ्रेंड, काफ़ी महत्वपूर्ण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। तो ये आपका साइमन कमीशन। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट